Audio Jungle. चलो सबको आदाब। आज एक जॉइंट व्हीकल चेकिंग पे टास्क फोर्स और मिर्चौक पुलिस का व्हीकल चेकिंग पे सुबह 11 बजे के अराउंड एक ऑल्टो व्हीकल पे एक सस्पिशियस मूवमेंट मिला। तो नागर वहाँ पे उन बंदे को रोक के पूछा तो नागार्जुना बोल के उनका नाम पता चला। उनके पास 10 सेट्स फेक सर्टिफिकेट्स मिला था। तो हम लोग क्वेश्चन किया क्योंकि तो एक बंदे के पास 10 सर्टिफिकेट मिलना मामूली बात नहीं था। तो जब क्वेश्चन किया था तब पता चला ये बंदा नेटिव गुंटूर जिले आंध्र स्टेट का थे और 2018 तकरीबन यहाँ पे आके अर्जुना अकेडमी बोल के यहाँ पे एक अकेडमी खोला जिसमें बच्चों को ओपन 10th और ओपन इंटरमीडिएट का कोचिंग दे देते। 2019 के बाद एक ज्योति रेड्डी बोल के एक और औरत थी जो गुंटूर से, उनसे मिलके एक फेक सर्टिफिकेट्स बनाने का एक प्लान बनाया था। उसके लिए उन लोग को कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए नरेश बोल के एक बंदा था, उन्होंने भी साथ दिया। तो इन लोग कुछ डेटा मंगा के लोगों से, जो जो कस्टमर्स थे, जो जो जिस जिसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उनसे एक टेलीकॉलर के रूप में बात करके फेक सर्टिफिकेट्स चाहिए क्या पूछ के उन लोगों को फेक सर्टिफिकेट सप्लाई करना शुरू किया था 2019 से। फेक सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए इन लोग ने अरविंद कोलकाता से और चिन्मय बिश्वास दिल्ली का हेल्प लिया था, जो इनको पैसे लेके फेक सर्टिफिकेट देते थे। और ये लोग या लोकल जो बच्चे हैं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उन लोग को पकड़ के उनसे पैसे लेके ये फेक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये तकरीबन 22 यूनिवर्सिटीज़ का, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट्स इन लोग अभी तक प्रोवाइड किए थे। और अभी जो रिकवरी पे हम लोग उनसे 467 सर्टिफिकेट्स जो 75 सेट्स पे है और 2 लैपटॉप्स, कीबोर्ड्स, सिम कार्ड्स, 8 सिम कार्ड्स, 5 सेल फोन्स और स्टूडेंट्स का जो ओपन एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं, उनका डेटा 1000 पेपर भर के डेटा था। माने कितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास है, वो देख सोच सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ब्रोशर्स, मारुति कार 12,000 का कैश और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पैसा इससे कमा रहे हो, प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए 40 लाख का, 42 लाख का वर्थ एक प्लॉट खरीदने का कोशिश किया था, उसका भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग रिकवरी किया था। हम लोग अपना मीडिया दोस्तों के द्वारा सभी लोग को एक अपील कर रहे हैं कि कोई भी ये फेक सर्टिफिकेट, कोई भी ये सर्टिफिकेट देने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए। क्योंकि आप फेक सर्टिफिकेट इन लोग को लेते, जो भी फेक सर्टिफिकेट लेने के लिए सोच रहे हैं, उन लोग भी एक क्राइम पे पार्ट होगा। और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का इंकरेज बिल्कुल नहीं करना है। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए। ये पूरा जो ऑपरेशन है, एडिशनल DCP टास्क फोर्स साउथ जोन नरसिम्हा राव के निगरानी पे हुआ था। इसमें अजय कुमार इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथ जोन और इंस्पेक्टर मिर्चौक आनंद भी थे, और इसके साथ साथ SIs आंजनेयलु, नरसिम्हलु, नवीन और साउथ जोन टास्क फोर्स का स्टाफ थे और मिर्चौक पुलिस का स्टाफ थे। सभी लोगों को हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से बधाईवाद देता हूँ कि तो इतना मेहनत करके बड़ा रैकेट पकड़ा। और इसमें और बाकी जो भी इन्वॉल्व है, उन लोगों को सभी लोग लेके आने पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सभी को ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे और उनके ऊपर जो लॉ के हिसाब से एक्शन लेना वो सब लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बिकॉज अभी जब जितना डेटा आया था, बहुत सारे डेटा आया था हम लोग। अभी आपको जैसे बोल रहा हूँ, इनके पास स्टूडेंट का डेटा आया 1000 पेपर भर के, मैंने 1000 पेपर्स का स्टूडेंट्स का डेटा है। तो इतना स्टूडेंट्स को हम लोग कहा, किस किस से बात किया, किस किस से पैसा लिया, हम सब भी चेक कर रहे हैं, उनका अकाउंट स्टेटमेंट ले रहे हैं ताकि कहां से पैसा गया, कहां से पैसा दे रहे हैं, सभी का डेटा लेके जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हम, वो जितने भी इन लोगों को इन्वॉल्व थे सभी को पकड़ लेंगे। एक बोले तो समझ में आते थे। इन लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिला, जो 10th फेल हो गया या जो 10th ओपन एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओपन 10th के लिए।